Hi, this is Sumit Bharadwaj and you're watching Desi Feed. So, welcome to Desi Feed. Thank you. So, we will like to know काफी ट्विस्ट आ रहा है ससुराल सिमर का, काफी इमोशनल स्टोरी चल रही है, दो प्यार पिछड़ चुके हैं वहीं दो प्यार मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या हो रहा है आपने बता दीजिए। बस यही है कि सब कुछ बहुत सुहाना और ब्यूटीफुल सा हो रहा है, क्योंकि जो प्यार मिल रहा है उनके लिए तो अच्छा है, पर जो प्यार बिछड़ रहा है उससे थोड़ा बुरा है, लेकिन हाँ जो मिल रहे हैं वो अच्छा फील हो रहा है सबको। कहीं ना कहीं रोके के टाइम से ही काफी हाथापाई की बात उतर गई थी, काफी चीजें हो गई, काफी पेशेंस पेश करना पड़ रहा है आपको भी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बता। तो ऐसा है कि जब तक जब तक समर की शादी का या रोका की बात नहीं हुई तब तक समर कुछ नहीं बोलता था, बिकॉज कि यार चलो उसके एक्स और मेरा इंटरफेरेंस नहीं था। पर अब जब रोका हो गया तो अब मेरा हक बनता है उससे ज़्यादा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ उसे कि भाई अब जो पहले था वो हो गया, अब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में मैं हूँ, सो प्लीज़ आप उसे परेशान ना करें, क्योंकि वो परेशान हो रही है उसकी वजह से। तो और समर खन्ना डजंट वांट कि सिमर को परेशानी हो किसी भी तरीके की। कहीं ना कहीं दो अच्छे दोस्त एक रिश्ते में बन चुके हैं, तो ये रिश्ता आपका क्या आगे तक जा पाएगा, क्या होने वाला है आगे देखिए, वो तो अब धीरे धीरे समझ आएगा, बिकॉज अभी स्टार्टिंग ही अभी रोका हुआ है और सबके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग है, क्योंकि सिमर भी अभी थोड़ा सा आरव के ऊपर दिमाग रहता है उसका, और मेरा ये रहता है कि यार मैं फोर्सफुली नहीं करवाना चाहता शादी। सो मैं ये चाहता हूँ अगर वो आए तो पूरा है वरना ना आए टाइप्स। एंड अभी घर में जो सीक्वेंस चल रहा है जहाँ पे सिमर उदास बैठी है, अपने प्रयास कर रही है म्यूजिक की, अपनी दर्द को म्यूजिक के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ। तो वहाँ आप भी तो उसके बारे में बता दीजिए। तो यही है कि अभी अब कोई भी रिलेशनशिप से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एकदम से मेरे हिसाब से वो आप भूलते नहीं है कि आपका पहला प्यार था, आपका पहला ही सारी चीज़ें थी, वो उस चीज़ को याद कर रही है और मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें कि परेशान है, वो हर्ट है, तो मैं अपने तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बोलता भी हूँ उसे कि चल अगर तुझे मिलना है तो मैं मिलवाता हूँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी से भी, अब साफ बोल के जाएंगे, बिकॉज आई एम देयर विद यू। कहीं ना कहीं सिमर ने भी मांग कर दिया आखिरी बार मिलने की आरव से, जी, तो क्या समर मिलने देंगे, क्या होगा? हाँ, वही मैंने उसे बोला कि अगर तुझे मिलना ही है तो मेरे साथ चल, मैं लेके चलता हूँ, घर पर सच बता के चलेंगे और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं साथ दे रहा हूँ तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि हमें झूठ बोलना चाहिए। तो कैसे हेल्प करने वाले सिमर को अपने पास्ट को भूल के फ्यूचर में आपके साथ मूव ऑन करने के लिए? बस ट्राई करता रहूँगा, खुशियाँ मैं भरता रहूँ और अपने गानों से उसको, मतलब उसको गाने पसंद है, मुझे भी गाने पसंद है, संगीत हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में और धीरे धीरे भुलाएंगे। क्योंकि मेरा ही पास था, मुझे पता है कि जब जो समर खन्ना की गर्लफ्रेंड थी वो जब चली गई थी तो धीरे धीरे चीज़ें ही मैं भूला था, तो अब मैं समझ सकता हूँ कि सिमर के साथ क्या हो रहा होगा। आरव को कैसे बदलेंगे, कि आरव भी कोशिश कर रहा है सिमर के करीब आने के लिए, कैसे दूर करेंगे आरव को सिमर? देखिए मैं मैं दूर नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि मैं प्यार करूँगा और प्यार से अगर चीज़ें चीज़ें समझ आती हैं तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि फिर अगर प्यार नहीं तो फिर वार। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गाइज़ आप हमेशा से ही प्यार देते आओ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ आपको अच्छा ही लगता है, तो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि और अच्छे से अच्छा करता रहूँ, और समर खन्ना लव्स यू, सुमित भारद्वाज लव्स यू। तुमने अपनी मर्जी से इस शादी के लिए हाँ कहा है। हाँ छोटी, ये शादी करना चाहती भी हो या नहीं, सिमर हमने पहले ही कहा कि हमें सब सच बताना है, तभी हम तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकाल पाएंगे। कोई नहीं करवा सकता। लेकिन सच तुमको बताना पड़ेगा। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं समर, बोलो। माँ, अच्छा आप यहाँ पे आ गई। देखिए ना सुबह सुबह कितनी अच्छी बात हो गई। यामिनी जी खुद हमारे घर आई। छोटी माँ, ये मेरी माँ है। नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? सब ठीक है? मेरा मतलब आप सुबह सुबह यहाँ। छोटी माँ, आप चाय पियेंगे? माफ़ कीजिएगा, बिन बुलाए माँ। असल में सिमर की शादी तय कर दी आप लोगों ने, रोका भी कर दिया और हमें बताया भी नहीं। सॉरी सॉरी छोटी मॉम, सॉरी मॉम, गलती से कर गया। देखा है जी, बच्चों का ध्यान हट जाने से हाथ में आई हुई चीज़ें भी कैसे फिसलती और टूट जाती हैं। फिर चाहे वो कितना ही सॉरी क्यों ना कह दे, चीज़ें घर से नहीं जुड़ पाती। मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। मैं बना देती। नहीं बेटा, समय रहते अगर ये ताक नहीं निकाली तो हमेशा के लिए रह जाएगी। मैं चाय बना दूंगी तो सफाई कर देना। आइए यामिनी जी।